नमस्कार पिलामाने, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिलामाने आज आपर डेली करंट अफेयर क्लास आपर फेब्रुवारी आपण मानक 29 फेब्रुवारी समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वीडियो माध्यम आम आलोचना करवा तेणुक समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमीक आलोचना रही है बायोलिंगुअल रही है ओडिया सहित इंग्लीश आपको आलोचना रही है निश्चित भाव समस्त इंपोर्टेंट आउ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मुझे आई पाने आज हो लास्ट डे ऑफ फेब्रुवारी आपर तापर आम मंथली जोटा कि क्वेश्चन नहीं आसवा मंथली कैप्सूल क्वेश्चन जोटा कि अध्ययन ठीक अच्छे पाने अध्ययन ग्रुप जमीक आप जनवरी देखते से ही आप फेब्रुवारी में आप टोटल क्लास र तो बढ़ी जा आजिकार प्रथम क्लास को कौन रही प्रथम क्वेश्चन क्लास कौन रही देखा प्रथम क्वेश्चन आपण देखते क्वेश्चन आप देखिए जाणी जाइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता पे जे ऑन व्हिच डेट इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ये कौन कहला पे कौन दिन भारत में जातीय विज्ञान दिवस पालन कर जाए ये समस्त विषय समस्त जानते दरकार ये हूँ आम 28 फेब्रुवारी आपर ये सब प्रत वर्ष आम विज्ञान दिवस पालन कराए एक समस्ते जानते दरकार ठीक अच्छे पे सहित आप विज्ञान दिवस क्या कहला जदि तो विज्ञान दिवस आपर नेशनल साइंस डे क्या कहे पे नेशनल साइंस डे क्या कहे जदि नेशनल साइंस डे आपर कौन रही जे नेशनल साइंस डे गोटे कौन जिनस रहा ये कौन पर आम साइंस डे मनाऊे आपर से ही दिन आपर कौन होता है नेशनल साइंस डे आनुआली जोटा कि 28 आप कमरेड क्या कराइए पे ये आम रमन इफेक्ट जी कि आपर भारतीय फिजिस्ट आप इंडियन फिजिस्ट थे किए पे सी वि रमन समस्त जानते पे चंद्रशेखर वेंकट रमन ठीक अच्छे पे चंद्रशेखर वेंकट रमन नाम पे सी वि रमन समस्त यहाँ नाम जानते पे नोबेल प्राइज भी मिलता फिजिक्स फिजिक्स आपर रमन इफेक्ट पर नोबेल प्राइज मिल सारी तो से ही दिन को आपण कमरेड कर नेशनल साइंस डे प्रति वर्ष भारत में मना जाए 28 फेब्रुवारी निश्चित भाव समस्त मन रखी थे आउ 2024 28 फेब्रुवारी नेशनल साइंस डे मना जाता तार थीम कौन रखा था यही टाइम आपको मन रखी दरकार थीम इज द इंपोर्टेंट ठीक अच्छे डेट सहित थीम इंपोर्टेंट रही है तो थीम थी मैंने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत इज द थीम फॉर 2024 नेशनल साइंस डे बुझिपाले पे ये थी आपर क्वेश्चन उत्तर बढ़ी जा परवर्त क्वेश्चन कौन से देखा जमी परवर्त क्वेश्चन आपने देखुं पे हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया आपन कौन कौन पे भारत नूक नूतन लोकपाल भाव में किए निजुक्त होती यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है बिकज ये हूँ 2 वर्ष पर्यंत लोकपाल जो वैकेंसी आप पदटा हूँ आपंकर जो खाली पड़ा न्यू लोकपाल जो भारत न्यू लोकपाल पद हूँ खाली पड़ा कि नुआ अपॉइंटेड कर दी किए पे आपम जानते दरकार ये होंगे पे जज एम खलवानीकर निश्चित भाव यहाँ कथा आप जानते दरकार ये हूँ जे जज जो कि सुप्रीम कोर्ट रो जज रही सारी से पे सुप्रीम कोर्ट रो फॉर्मर जज एम खानवालिकर आपर ये जो बी उत्तर तक सहित ये आपको जोटि आंटी करप्शन जोटि लोकपाल आपर चेयरमैन भाव निजुक्ति कर दी या पूर्वर जो थे पे पीसी घोष जी कि जो कार्यकाल मे 27 2022 पूरण कर सारी कि आउ कौन प्रकार पोस्ट या वैकेंट पोस्ट पड़ता है कौन प्रकार पोस्ट दि जाऊला तेणु एवं न्यूली आप पोस्टेड कराईगला पे जस्टिस एम खानवेलिकर निश्चित भाव बढ़ी जावा परवर्त क्वेश्चन कौन से देखा जे परवर्त क्वेश्चन पे आउ गए क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्पेस पोर्ट विल बी बिल्ट एट व्हिच प्लेस कौन कहला पे कौन स्थान भारत द्वितीय बृहत्तम महाकाश जान निर्माण केन्द्र प्रतिष्ठा हे यहाँ हूँ आपर जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है रिसेंटली आम जो पीएम रही नरेंद्र मोदी जी या आप इनाग्रेट करते से कही आपर जो न्यूली पुणी कौन हेना गोटे आपर सतीश धवन स्पेस सेंटर रिसर्च सेंटर रही जोटा कि आप समस्त जानते कौटी रही आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा रही कितु ये जो नेक्स्ट आप तमिलनाडु हम तमिलनाडु तार फाउंडेशन स्टोन रखी पुला पे तार जगार नाम हम जी पे कुलाशेखर पट्टनम जो कि तमिलनाडु गोटे जगह से जगार आपर आउ जो सेकेंड जोटा कि रिसर्च सेंटर आपर स्पेस सेंटर स्पेस पोर्ट भाव में आपको जो भारत द्वितीय बृहत्तम स्पेस पोर्ट या निश्चित भाव एक कथ मन रखिथे एपं इसरो कथ कहे समस्त जानते सोमनाथ जी चेयरमैन एस एस सोमनाथ आउ बेंगलुरु रही आपर हेडक्वार्टर एक आपको अलरेडी पढ़े सारी तथापि आपको रिमेंड कर दिली बढ़ी जावा परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छे परवर्त क्वेश्चन आप क्वेश्चन कौन कहते देखो ये कौन कहला पे हु हाज बिकम द फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविनेंस
ऑफ पाकिस्तान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पिलामने पाकिस्तान रो पंजाब प्रदेश रे प्रथम महिला मुख्यमंत्री की होइछंती पिलामने तंकु ऑलरेडी से वोटिंग रे जीति जाइछंती तेनु से आपन मानकर जो वोट रे जितिला परे से हेगे जेबे आपन मानकर पाकिस्तान रा फर्स्ट आपन कर जोटो कि ह्यू मचे आपन फीमेल चीफ मिनिस्टर हे जेबे से जेबे के पिलामने मरियम नवाज मरियम नवाज ताको विपक्ष रे लड़ुथले जे कि राणा आफ्ताब को ताको विपक्ष रे लड़ुथले से ताको 200 वोट रे हारि जाइछंती तेनु आपन मानकर ये रहिगले आपन मानकर जीतिले जे कि मरियम नवाज जे कि आपन मानकर पूर्व रूप पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री रहि सचंती से के पिला माने आपन मानकर भारत रो प्रधानमंत्री ए सॉरी भारत कहू पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री रहि सचंती तीन थरो प्रधानमंत्री रहि सचंती नवाब शरीफ कर झियो से पिला माने जे कि हे जिबे सीएम फर्स्ट आपन कर जो कि पंजाब प्रोविनेंस पाकिस्तान रो पंजाब प्रोविनेंस रो हे जि वुमेन चीफ मिनिस्टर हाबर हेबे निश्चित या कथा मन रखिथिबे यांको नाम ता मन रखिथिबे मरियम नवाज बढ़ि जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा परवर्ती क्वेश्चन पिला माने आपण मानक पई क्वेश्चन कोन कहिला द वर्ल्ड लार्जेस्ट मस्क्यू हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच प्लेस आपण कोन कहिला पिला माने को स्थान रे विश्व रो तृतीय बृहत्तम मस्जिद को जोड़ा कि उद्घाटन कराई आपण वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आपण कोन कहि विश्व रो तृतीय बृहत्तम आपण मस्जिद को रिसेंटली इनॉग्रेट कराई सी हूँ आपणकर अल्जीरिया अल्जीरिया हूँ गोटे देशर नाम आप ये हूँ साउथ आफ्रिकन कंट्री गोटे निश्चित भाव या कथा आपन जानते दरकार साउथ आफ्रिकन कंट्री अल्जीरिस तार हूँ कैपिटल अल्जीरिस कैपिटल से ही अल्जीरिस अल्जीरिया देशर अल्जीरिस आप कौन है ना ये तृतीय बृहत्तम मस्जिद को आपण मानक जो कि इनॉग्रेटेड कराई ग्रेस्ट मस्जिद ग्रेस मस्जिद आप नाम दिखाई तेणु आप समस्त जिन मन रखी दरकार 265 मीटर बा 869 फुट जहाँ कि तार हाइट रही जोटा कि गोटे लार्जर प्रेयर रूम रही सहित ये जो सभागार रही जो प्रार्थना करने गोटे बहुत बड़ सभागार रही जो थे लक्षे कोड़े हजार वर्सिपर्स जो कि आपठी बसीपारे जोटा कि मस्जिद आपर नमाज पढ़ी पारे ठीक अच्छे पे तो यार इनॉग्रेशन तो आप किए करते पे जो प्रेसिडेंट अच्छा देश प्रेसिडेंट अच्छा अब्दुल इमाजिद टेबाउन आपंकर ये रही आप नाम सब पढ़िया बहुत मुश्किल तेणु ये रही पे वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मस्जिद जो कि आपंकर इनॉग्रेशन करते प्रेसिडेंट निश्चित बढ़ी जावा परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी देखा परवर्ती क्वेश्चन पे आप ये क्वेश्चन कौन कहला द वर्ल्ड फास्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन व्हिच प्लेस आप कौन कहूँ दुनिया प्रथम वैदिक घंटा कौन स्थान स्थापित हे निश्चित भाव में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्यप्रदेश भोपाल आप उज्जैन में आपको उद्घाटन कराऊँ एक समस्त जानते दरकार वैदिक क्लॉक जो कि उज्जैन में आप उद्घाटन कराऊँ उज्जैन कौटी पे उज्जैन कौटी आप मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश में प्रथम जो कि पृथ्वीर फास्ट वैदिक क्लॉक जोटा कि इनॉग्रेट कराऊँ जो थी आप ट्रेडिशनल जोटा कि आपको तर नाम रखाई से नाम को आप जानते दरकार जे नाम रही मुहूर्त ता नाम आपको ट्रेडिशनल मुहूर्त साइम आप जो खोजी चलती पंजीकार देखुं से मुहूर्त से आप साइम से देखा सहित जीएमटी कौन पे आम जीएमटी कही था ग्रीन विज मेन टाइम जीएमटी आप देखिपारे आउ सहित यार हाइट हूँ 85 फुट टावर एट जंतर मंतर नियर जीवाजी नियर जीवाजी रे या आपंकर इनस्टल कराई जार उच्चता हूँ 85 फुट ये क्वेश्चन आपंकर मन रखिथे बढ़ी जावा परवर्त क्वेश्चन कौन शिखिया आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसूँ पे ये क्वेश्चन कौन कहला देखो इंडिया लार्जेस्ट सोलार बैटरी प्रोजेक्ट हैज बीन अनवील्ड इन व्हिच प्लेस आप कौन कहते हैं भारत सर्वबृहत्तम सौर बैटरी प्रकल्प कौन स्थान उन्मोचित होकर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में या आपंकर इनॉग्रेशन कराई एक आप समस्ते मन रखा दरकार जे राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ये जो भारत सर्वबृहत सोलार बैटरी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन कराई सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीसीआई जिकि कमेंटेड कर पाने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड कर दे 40 मेगावाट रु जोटा कि 120 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी जो कि स्टोरेज रोक आप मन रखिथे 100 मेगावाट रो सोलार पावर प्रोजेक्ट ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में या इनस्टल कर दी मन रखिथे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है बढ़ी जाए परवर्त क्वेश्चन को परवर्त क्वेश्चन आपको कौन कहला हू हाज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार मार्क क्वेश्चन ये क्वेश्चन को भूलिवे मन रखिथे ये कौन कहे देखो हू हाज क्लीज द एस्टीम्ड 14th एनुआल एगिस ग्राहम बेल एवार्ड आप कौन कहला पे सम्मानजनक 14th वार्षिक एजीएम एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार किए पाई ये आप सीडट कंपनी हो जी आप एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार विजेता होगा निश्चित भाव क्वेश्चन मन रखे सीडट कौन पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स तार फुल फॉर्म होची जेटा गुटे टेलीकॉम आरएनडी कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा कंपनी सी डॉट जहां को 14 तम एनुअल एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार मिले छि तिरे आपन तीनटा कैटेगरी से माने हि जीति जों पिला माने इनोवेशन इन एआई जो कि एसटीआर प्रोजेक्ट ता सहित आपन मानकर आउ कोन रहिला इनोवेशन इन सोशल गुड सीईआईआर सॉल्यूशन एंड इनोवेशन इन टेलीकॉम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड जो कि क्यू के डी प्रोडक्ट ए समस्त तीनटा कैटेगरी से माने पाई गले एजीएस ग्राहम बेल पुरस्कार निश्चित हारे मन खेतिबे यार आयोजन आपन न्यू दिल्ली रे कोठी कराइथिला एनएमडीसी कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली रे याको आयोजन कर जाइथिला ई पुरस्कार समारोह निश्चित हारे क्वेश्चन आपन को पाई इंपोर्टेंट रहिबो प्रति क्वेश्चन बढ़ी जीवा प्रति क्वेश्चन कोन सिखिबा परवर्ती क्वेश्चन पिलाने आपन मन को पाई क्वेश्चन कोन कहू छे रिसेंटली वेटरन फास्ट बॉलर नेल वाग्नर हैज रिटायर फ्रॉम हिज इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर ही रिप्रेजेंटेड टू हिज कंट्री कौन कहला पिला मैंने संप्रति वेटरन फास्ट बॉलर नील वाग्नर तांको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर रूप अवसर नहीं ठीक अच्छे पिलाने से कौन देशर प्रतिनिधित्व करते पे मैंने कौन देश को रिप्रेजेंट करते से कथा पचारे क्वेश्चन ले ये होंगे पिलाने आपंकर न्यूजीलैंडर खिलाड़ी निश्चित भाव में आपड़ समस्त जानते दरकार ये क्वेश्चन पचारि थे परीक्षा जे खिलाड़ी कौन देश को रिप्रेजेंट कर जो नाम दिगला ये खिलाड़ी कौ स्पोर्ट्स सहित रिलेटेड ये कथा आप समस्त जानते दरकार ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2020 2021 जोड़ा हीरो थे पे निश्चित भाव में आप न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड 64टा टेस्ट खेली सहित 260टा विकेट नहीं पाने तेणु ये हूँ 12 वर्षर जर्णी पर निश्चित भाव में 37 वर्ष बयस जेकि रिटायरमेंट घोषणा कर देते बुझिपाले पे ये आजिकार समस्त क्वेश्चन चर्चा आशा करती सेसन समस्त को भल लगे पुणी देखा ये एक सेसन सहित से भिडियो को लाइक करूँ और कमेंट निश्चित जनातु केमी भिडियो को लगेगा आउ भिडियो पीडीएफ पर मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देती आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दिंतु पीडीएफ आपको इजिली अवेलेबल मिल जाव आज क्लास को हम ये रखा धन्यवाद पिला मैंने जय जगन्नाथ।